तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ चकरभाटा एयरपोर्ट, और यहाँ से मेरा एक फ़्लाइट है जो कि है बिलासपुर से इलाहाबाद तक का, और इसका टिकट मेरे को बहुत ही कम पड़ा, 1000 रुपये ही पड़ा, और टोटल 1000 पड़ा। कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट था ऐप्स के द्वारा, गोइडो द्वारा, वरना 1300 आ रहा था, तो 300 रुपये डिस्काउंट मेरे को वहाँ से पड़ा। और ये आप एयरपोर्ट देखो, सामने बहुत ही सुंदर है एयरपोर्ट बिलासपुर का, छोटा सा है पर बहुत ही सुंदर है। और ये आपका एंट्री गेट है, और मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये मेरा दूसरा फ्लाइट जर्नी है। तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से फिर बात करते हैं आपसे। प्रस्थान डिपार्चर। अभी मेरा फ्लाइट आप सामने देखो आ रहे हैं, 1 घंटे लगभग, आधे घंटे लेट था, और सामने की तरफ है आ रहे हैं। देखो सामने आ रहे हैं सामने, और ये लगभग आधे घंटे लेट आए। और एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है दोस्तों, यहाँ का छोटा सा है पर बहुत प्यारा है। वेटिंग एरिया भी काफ़ी छोटा है, वहाँ एक कैंटीन है वहाँ पर एक, और पर है बहुत प्यारा। और मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, सामने देखो मेरा छोटा सा प्लेन है, लगभग 70 सीटर के आसपास का है, 72 सीटर के आसपास है ये। एयरपोर्ट छोटा है पर सुंदर बहुत है, और सामने देखो कितना अच्छा नज़ारा। चलो अंदर चलते हैं, अभी सामने टिकट चेक कर रहे हैं। थैंक यू। जैसे ही आप फ्लाइट के अंदर आते हैं, एयर होस्टेस के द्वारा आपको वेलकम किया जाएगा और पानी का बोतल दिया जाएगा। तो मैं अपना सीट अभी ढूंढ लेता हूँ, है कहाँ पर। पहली बार आओगे फ्लाइट में तो सीट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है यार। मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है, मिल गया। तो भाई फाइनली हम अपने सीट पे आकर के बैठ गए हैं, और बाहर का नज़ारा देखो, बाहर पूरा तैयारी हो रहा है। सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी देंगे, और ये भी आप सुन लो, ये सुनना बहुत जरूरी है। विमान में 4 पाक खाली निकास है, सामने 2 द्वार पीछे की ओर है। प्रत्येक निकास में लाल व सफेद रंग से स्पर्शन बने हैं। आपातकालीन स्थिति में कैबिन से बाहर जाने का रास्ता बताने के लिए स्पर्श के साथ चालू होने वाली है थोड़े टाइम में। और देखो बाहर का नज़ारा चालू धीरे 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 चल रहा अभी। अब स्पीड हो गया भाई, भाग रहा है फुल तेजी में। ये हुआ भैया, अब हम लोग हवा में आ गए हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से हमारे बिलासपुर का नज़ारा, व्यू कैसा दिखता है आपको। और छोटा फ्लाइट है तो एक्सपीरियंस भी अलग होगा, बड़े फ्लाइट में आपका एक्सपीरियंस अलग होता है, जैसे कि 250-300 सीटर। और ये छोटा फ्लाइट होने की वजह से आपको थोड़ा सा लग्जरी में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। चलो बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो करना जरूरी है आपको, ये कुछ सेफ्टी फीचर्स है इसमें पूरा दिया गया है। और ये यहाँ का टॉयलेट, छोटा फ्लाइट का टॉयलेट, बड़े फ्लाइट का टॉयलेट थोड़ा सा बड़ा होता है, ये छोटा है, इसको छोटा दिया है, बेसिन है और ये मिरर वगैरह। सामने भैया को देखो सो रहे हैं, और बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखा, किसी को फ्लाइट सूट नहीं होता तो वो लोग जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे फ़्लाइट में, और काफ़ी लोग जो है वो इंजन के पास बैठना नहीं चाहते थे, शायद उनको उससे कुछ प्रॉब्लम होगा या साउंड ज़्यादा आता है इस वजह से, मतलब जो पायलट का जो केबिन होता है वहाँ पर। और दोस्तों मेरे को फ़्लाइट बहुत सस्ता पड़ा, गोइडिबो से मैं किया ऑफ़र था तो मैं ले लिया। बाकी ये जो जर्नी था मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और सिर्फ मैं ये फ़्लाइट सस्ता था इस वजह से लिया था, कुछ मेरे को काम था नहीं इलाहाबाद में, और एक्सपीरियंस अच्छा था। सस्ता 1000 में यार क्या मिलेगा, तो 1000 में टिकट मिल रहा था तो मैं बुक कर लिया,
1000 प्राइस तो किया था, फिर कन्वेंसिंग फीस वगैरह करके 1300 गया था, और अभी हम इलाहाबाद में हैं। अभी प्लेन जो है लगभग लैंड करने वाली है, तो आप भी ध्यान देते रहेंगे कुछ ऑफ़र वगैरह को, तो आपको भी सस्ता फ्लाइट मिल जाएगा। बिलासपुर का वैसे तो शायद अभी नीचे देखो, नीचे ये यमुना नदी है इलाहाबाद का, यमुना नदी के ऊपर से होकर के जाती है। अभी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं लगभग, और फ्लाइट जो है वो आप ऑफलाइन लेते जा करके तो आपको 3600 पड़ेगा बिलासपुर से इलाहाबाद। ऑफ़र में था तो मैं ले लिया, तो मेरे को बहुत ही सस्ता पड़ा। मेरे साथ साथ बहुत से लोग हैं जिनको 1000 ही पड़ा था उस डेट पे, और ये हम इलाहाबाद में लैंड कर चुके हैं। और ये आर्मी एयरपोर्ट है इलाहाबाद एयरपोर्ट, तो मैं उतना ज़्यादा यहाँ शूट कर नहीं सकता, तो मैं आपको यहाँ के एयरपोर्ट उतना दिखा नहीं पाऊँगा। मैं डायरेक्ट आपसे जो वेटिंग एरिया है या जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ से आपको पिक्चर दिखाऊँगा, बाहर का नज़ारा देखेंगे निकलते बाहर। मैं भी एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और मेरे को थोड़ा सा जल्दी है। भाई है, भाई है, भाई है। नहीं नहीं है कोई आले। दोस्तों बाहर आपको टैक्सी वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे। तो दोस्तों ये रही मेरे बिलासपुर से इलाहाबाद तक की हवाई यात्रा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, और आपको अगली वीडियो पे आपको प्रयागराज घुमाता हूँ मैं। चलिए बाय। इधर टैक्सियों का लाइन लगा है।